हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में। और हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, लोरेंट्ज़ फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने किया था, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की थी, उसके यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अब कितना होता है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, वो ड्राइव करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ करते थे, ऐसे यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, जैसे कूलम्ब ने क्या किया था, कूलम्ब ने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला दिया था, वैसे बायोट सेवर्ट्स ने एक स्मॉल करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि कितना होगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो देखिए ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कोई पॉइंट पी है, ठीक। तो बायोट सेवर्ट्स क्या कहता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होगा, इस बड़े करंट कैरिंग कंडक्टर का हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे, जैसे ये स्मॉल लेंथ हमने ले ली, ठीक है, ये स्मॉल लेंथ हमने ले ली डीएल लेंथ, ठीक है, डीएल लेंथ हमने लिया है और आई इसमें करंट जा रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है डीएल, यदि हम इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या बन जाएगा, आई इंटू डीएल, ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो इस बड़े कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट हम ले लेते हैं, स्मॉल पार्ट कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का, और उस डीएल लेंथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो ये क्या बन गया, आईडीएल एक करंट एलिमेंट बन गया। तो बायोट सेवर्ट्स क्यों क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी, ये इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, और ये एंगल है थीटा, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, ओके। तो ये बायोट सेवर्ट्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, कहां से, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, कहां से, स्मॉल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम लिखना था, फ्रॉम स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल इज फाउंड टू बी डिपेंड्स अपॉन, तो स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, इज फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज आई, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डीएल, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। यहां पे थीटा जो है ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी उस कंडक्टर में, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर आर, पोजिशन वेक्टर किसका, गिवन पॉइंट का, कहां से, करंट एलिमेंट से, तो उनके बीच का एंगल है ये, करंट एलिमेंट और जो करंट एलिमेंट से डिस्टेंस लिया है ना हमने किसी पॉइंट का, उसके बीच में ये एंगल है थीटा। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट डीएल एंड साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ दिस डिस्टेंस आर स्केयर। तो कंबाइन करते हैं इन्हें, ऑन कंबाइनिंग तो db इज प्रोपोर्शनल टू idl sin थीटा अपॉन
आर स्क्वायर एंड डीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो सम कांस्टेंट के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बाइट्स-एवर्ट्स लॉ का है स्मॉल करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट का आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो के है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस एसआई व्हाटएवर। तो हम सीजीएस में तो इसकी वैल्यू वन ले लेते हैं, लेकिन सीजीएस से काम नहीं चलता। सीजीएस में तो हम कह देंगे इन सीजीएस के इज इक्वल टू वन, लेकिन ज्यादातर एक्सप्रेशन हम किस में लेते हैं, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं आपको बताता हूं अभी। यहां तक आपको क्लियर है? तो देखिए एसआई सिस्टम में यदि हम बात करें बायट-सेवर्ट्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम के जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। एक नई टर्म आ रही है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। तो कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिफरेंस है दोनों में, नीचे 4 पाई है इसमें भी नीचे 4 पाई है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है नीचे लेकिन इसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट है और वो ऊपर है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन यहां पर म्यू नॉट जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हम आगे समझाएंगे इसको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसकी जो वैल्यू है के की एसआई सिस्टम में वैक्यूम के लिए, इट इज 10^-7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर है। बाकी आप यहां से भी के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। के की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं समझा देता हूं आपको, एक बार रफली मैं बता देता हूं। जैसे यहां से हम के की वैल्यू देखो, के किसके इक्वल है, डीबी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आइडियल साइन थीटा। बी टेस्ला, कल पढ़ा था हमने, लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन करंट एम्पियर, डीएल मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है। तो बेटा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर वेबर, और नीचे अपॉन एम्पियर मीटर है। तो क्या बन गया ये, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वही मैंने लिखा है। आप ये भी यहां इतना भी छोड़ सकते हैं कि जैसे मीटर से मीटर कैंसिल, तो टेस्ला पर एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और टेस्ला को भी फिर आपने कल क्या लिखा था, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, टेस्ला को हमने क्या लिखा था, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और पर एम्पियर मीटर है ही, तो मीटर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर एरिया स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर माइनस टू, न्यूटन एम्पियर माइनस टू, तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इस यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज की कई कई यूनिट होंगी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लें। तो ये के की वैल्यू जो है
वैक्यूम के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर होते हैं। तो फिर वैक्यूम के लिए एसआई सिस्टम में बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, डीबी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इस तरह से होगा। तो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल ही है, लार्ज के लिए नहीं है। अब मान लो इस पूरे वायर का, पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन, डीबी का इंटीग्रेशन बी, और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं इस लॉ को एक और फॉर्म में भी मॉडिफाई कर सकता हूं, वो देखिए हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट करते जाएं साथ के साथ, ताकि आपको बार बार में वीडियो ना देखनी पड़े, एक बार नोट कर लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके कारण, वो राइट हैंड थंब रूल से देखें, यूं राइट हैंड थंब रूल से, तो किधर होगी, अंदर की तरफ, अंदर, अंदर मतलब ये आर है, जैसे ये आर है तो आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ठीक है। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये आर के अलोंग नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर के अलोंग होता था, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है मान लो, और ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अलोंग आउटवर्ड या इनवर्ड होता था, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होगा, आर के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आर के परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। तो मान लेते हैं उसे कि वो मान लो जैसे आर कैप है, उसकी डायरेक्शन आर कैप अंदर की तरफ, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, या एक काम करो हम इसको ऐसे लिखते हैं, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, देखना मैं इसको ऐसे लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म में, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इनटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। देखो जब मैं ये देख रहा था ना dl साइन थीटा, तो मैंने क्या किया, इसे r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दिया, तो r इंटू आर स्क्वायर तो r क्यूब हो गया, और ऊपर हो गया dl r साइन थीटा, तो dl r, dl भी वेक्टर है और r भी वेक्टर है, तो dl r साइन थीटा को हम लिख सकते हैं dl क्रॉस r, dl क्रॉस r लिखेंगे तो dl r साइन थीटा ही तो आएगा। ये आ गया बायोट सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब यहां से आप डीबी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो यदि मैंने गलत किया होगा ये, तो डीबी की डायरेक्शन गलत आएगी, जो हमने पहले निकाल लिया राइट हैंड थंब रूल से वो नहीं आएगी, गलत आनी चाहिए। लेकिन देखो डीबी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज सेम एज दैट ऑफ डीएल क्रॉस आर, जैसा कि कल भी हमने इस तरह का पढ़ा था, डीबी की डायरेक्शन वही होगी जो डीएल क्रॉस आर की है, डीएल क्रॉस आर, देखिए डीएल इधर आर इधर, दोनों हमने इन द प्लेन ऑफ बोर्ड लिए, क्या डीएल इधर है और आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब फील्ड अंदर की तरफ होगा, यानी कि जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, डीएल और आर दोनों इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड्स। सो डायरेक्शन किधर होगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू किसके, टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, डीएल एंड आर जिस प्लेन में डीएल और आर है, तो अंदर की तरफ होगा, आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, ये चीज ध्यान रखें,
कि डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डीएल और आर दोनों के। ठीक है, तो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा, आपको समझ में आया। अब देखिए इसका एक हम एप्लीकेशन करेंगे, छोटा सा एप्लीकेशन करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ का, और वो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये जो हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 101% आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन है ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जैसे कॉपर वायर का लूप है, कॉपर वायर का एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और हमें इसकी एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालना है। तो ये जैसे लूप है, ऐसे रखा है लूप जो है ना, उसका प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है, प्लेन के ऐसे रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ओके, और एक्सियल लाइन पे निकाल रहे, ये एक्सियल लाइन होगी जो उसके सेंटर से क्रॉस कर रही है, ये एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे, जैसे सेंटर से पास होगी ना एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स एक्स डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, यहां पे हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ए इसकी रेडियस है, ए इसकी रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस, ये एक्स, तो ये एक हम करंट एलिमेंट, बायोट सेवर्ट्स लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे, ये सर्कुलर लूप है, तो एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, ये ले लिया हमने डीएल लेंथ का, इस तरह से, समझ रहे हो आप। ये देखिए, ये डीएल लेंथ का, ये हमने अलोंग द टेंजेंट, ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है, ये ले रखा मैंने अलोंग द टेंजेंट, इस तरह से ये। ठीक है, और ए रेडियस है, ये एक्स है, तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट जो हमने लिया है ना, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की, जहां पे हमें फील्ड निकालना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम आर लेंगे। आर क्या था, हमने क्या लिया था, आर करंट एलिमेंट से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस। ओके, ये आर ले लिया। अब आप एक चीज देखिए, आर और डीएल में थीटा एंगल होता है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, ये तो है जैसे डीएल, इधर ये डीएल है, इधर टेंजेंट कह लो, और आर क्या है, ये आर है, ये आर है यहां से, और ये इधर डीएल है, तो एंगल लगभग 90 नहीं है, 90 तो एंगल होगा, ये किस किस के बीच में, ये जो ये आर है, आर और ये डीएल, तो आप देखोगे ये एंगल 90 है, तो यहां पर डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो आप मैं से पूछ सकते हैं, ये एंगल 90 है। ठीक है, तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस करंट एलिमेंट का यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा किधर, डीएल क्रॉस आर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आई डीएल, आई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4π, आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो अब आप देखिए, डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर, आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर ऊपर होगा, और हमें पता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो है आर, तो यहां पर आर के परपेंडिकुलर, इस आर के परपेंडिकुलर ऐसे ये होगा डीबी, किसके परपेंडिकुलर, आर के, ये आर है ना, इसलिए पिछली बार मैंने बताया था कि यहां पर इस डीएल का जो फील्ड होगा वो डीएल के भी और आर के भी परपेंडिकुलर, तो आप आर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये आर है, इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है पूरा एंगल, अब परपेंडिकुलर ऊपर नीचे भी तो हो सकता था,
तो ये राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर आर इधर, तो ऊपर ही तो आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सपोज ये एंगल कितना है थीटा, ठीक। इसी तरह से बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, जैसे हमने ये लिया था डीएल क्रॉस आर, तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये लेंगे, इसमें डीएल की डायरेक्शन इधर और इसमें डीएल की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन जो है वो डीएल की है, इसमें इधर है इसमें इधर है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये करंट एलिमेंट ये है डीएल, आईडीएल, जैसे यहां पे था इधर, इस पे उधर। इसका जो फील्ड होगा यहां पर, इसका जो फील्ड होगा यहां पर, ये भी आर, ये भी तो आर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस आर के परपेंडिकुलर किधर होगा, नीचे की तरफ। मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है डीबी डैश, जो कि आर के परपेंडिकुलर होगा लेकिन नीचे की तरफ, डायरेक्शन बदलगी ना, डीएल क्रॉस आर नीचे, तो ये एंगल भी सपोज थीटा। तो अब आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट इसका ऊपर हो गया डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो गया डीबी साइन थीटा, ऐसे इसका एक कंपोनेंट नीचे डीबी कॉस थीटा, और एक हो गया इधर डीबी डैश, ये डीबी डैश साइन थीटा। सो अब हम इसको शुरू करते हैं। लेट ए इज रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, एक्स मान लीजिए क्या है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। देखिए यहां पर हमने ये लिख लिया है, सपोज ए इज द रेडियस ऑफ द लूप, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप, एक्स क्या है सेंटर से एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट की डिस्टेंस, आई करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट ए, ए पॉइंट है ये, यहां पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट है ना ये, इसका मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। कितना होगा ये डीबी का मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल साइन 90, क्योंकि डीएल और आर में एंगल 90 मैं बता चुका हूं, अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड डीबी डैश किसका है, करंट एलिमेंट एट बी, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो बी नहीं, इसको सी मान लेते हैं, करंट एलिमेंट सी, इसके कारण जो होगा डीबी डैश म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ही तो होगा दोनों का मैग्नीट्यूड। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो कॉस कंपोनेंट है, इसका मतलब डीबी कॉस थीटा एंड डीबी डैश कॉस थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, लेकिन साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, ये ऐड हो जाएंगे। तो जैसे हमने ये पेयर लिया है डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का, एक ये लिया था और एक ये लिया था, तो आप देख रहे हैं इनके कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो गए साइन ऐड हो गए, तो इस तरह के हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं इसके, जैसे ये पेयर लिया इनका साइन ऐड हो गया, एक ये पेयर ले लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट का, तो सबका कोस कोस कैंसिल होते जाएंगे और उधर साइन साइन सबके ऐड होते जाएंगे, जैसे इसका साइन उधर, इसका साइन उधर, इसका साइन उधर, इसका साइन उधर, तो सबके सभी इसको हम क्या करते हैं, इसको बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे, तो सभी करंट एलिमेंट का साइन साइन कंपोनेंट ऐड होता जाएगा, कोस कैंसिल होते जाएंगे, तो नेट फील्ड कितना होगा डीबी साइन थीटा प्लस डीबी साइन थीटा प्लस डीबी साइन थीटा, मींस डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट फील्ड जो होगा वो नेट फील्ड क्या आएगा, देखिए अभी समझा देते हैं आपको, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। बेटा ये परपेंडिकुलर है और आर के परपेंडिकुलर ये है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आप खुद जांच सकते हैं। तो बी क्या होगा, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या रखेंगे, डीबी। डीबी क्या है, म्यू नोट अपॉन फोर पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था ना डीबी, और इनटू में साइन थीटा ये है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आ जाएगा क्या कॉमन, मतलब सॉरी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रहेगा डीएल साइन थीटा। तो साइन थीटा भी बाहर आ सकता है, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट ही तो हुआ, ये भी बाहर आ जाएगा। तो म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, ये ध्यान रखें अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट है तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ये वन, ये वन बाई टू, तो पावर थ्री बाई टू। इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा डीएल, इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ डीएल। ओके, इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा, और उस डीएल क्या, अब डीएल क्या है, डीएल क्या है, डीएल इस सर्कुलर लूप का स्मॉल पैरामीटर का स्मॉल सेगमेंट है, इसका पैरामीटर है ना, इसके पैरामीटर का स्मॉल सेगमेंट है सर्कमफ्रेंस का, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसका एक स्मॉल पार्ट है डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना, तो इट कम्स आउट टू बी म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू इंटू टू पाई ए, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल मतलब पूरी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है टू पाई रेडियस, टू पाई रेडियस। तो यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट, ये ए छोड़ दिया बेटा हमने, ए भी है ना ऊपर, ये ए, म्यू नोट आई टू पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर थ्री बाई टू। तो ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि सपोज ये तो हमने जैसे कॉपर वायर का एक लूप लिया है जिसमें एक ही टर्न है, लेकिन ऐसे मान लो कॉपर वायर के हम बहुत सारे टर्न करें, जैसे एक कॉपर वायर लिया ए रेडियस का एक टर्न, दो टर्न, थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एन टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सभी करंट कैरिंग लूप होंगे तो सबका फील्ड एड होता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू थ्री बाई टू टू एन, एन टाइम्स हो जाएगा। व्हाट इज पाई इनटू ए स्क्वायर, इसका एरिया नहीं हो गया, ए रेडियस है तो पाई ए स्क्वायर हो गया इसका एरिया, एरिया पाई ए स्क्वायर लूप का, तो यहां पर बन जाएगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू टू एन आई ए, एन आई ए, इस एन आई ए को मैंने ब्रैकेट में रखा है। तो देखिए मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, यहां पे एक नई चीज बता रहा हूं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप में, कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है ना, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसके नॉर्थ साउथ पोल होंगे, मैं समझाऊंगा कैसे होंगे। तो कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसके दो पोल होंगे नॉर्थ साउथ, और पोल होंगे, डाइपोल होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ये जो एन आई ए है ना, एन आई ए,
ये कहलाता है एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू लूप का एरिया, उस लूप में करंट फ्लो हो रहा है वो इनटू उस लूप का एरिया, ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लूप चाहे कैसा भी हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, कैसा भी हो, उस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू उसका एरिया, ये उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये एक टर्न है और एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन आई ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी के म्यू नोट टू एम, ये एम है ना, अपॉन फोर पाई एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर थ्री बाई टू। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एम है ना, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, नोट कर लें ये भी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेट फील्ड आप देख रहे हो इधर है, एक्सिस के लोंग आउटवर्ड, नेट फील्ड एक्सिस के लोंग आउटवर्ड इस तरह से है। चलो इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केसेस करते हैं कुछ इसके, वो क्या होंगे स्पेशल केसेस, देखिए मैंने मिटा दिया इसको। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूं, तो इसके स्पेशल केस कर लेंगे। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज म्यू नोट 2m अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 बाई 2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब जैसे मान लो हम स्पेशल केस लेते हैं, इफ x इज 0, x 0 करने का मतलब x क्या था, ये सर्कुलर लूप से सेंटर से ये पॉइंट P, ये था x, x 0 कर देंगे तो P पॉइंट कहां पर आ गया, सेंटर पे, x 0 मतलब दैट इज एट द सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए एम थो।